हाँ जी, राम राम सा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग रीट के लिए नहीं, LDC की मैराथन क्लास के लिए हैं। और आप लोगों को जैसा कि पता है LDC का एग्ज़ाम है, तो उसी की ही मैराथन क्लास हम लोग ले रहे हैं। हालांकि व्याकरण सभी जगह आती है, तो आप लोग शायद अब अपने जाग गए होंगे, मतलब सभी का टारगेट वापस से हो गया होगा कि जिन्होंने भी आगे फॉर्म भरा है किसका ये वाला LDC वाला, वो सभी आ जाएंगे। और ठीक है, अपनी तैयारी एक बार देख लेंगे। देखो भाई, अब जितने पर होगी वो आपके सामने ही आना है ना, परसेंटेज को कि कितने पर आपका सिलेक्शन हो रहा है। LDC हाई कोर्ट के लिए है बिल्कुल अपनी ये, तो बिल्कुल आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू संगीता जी, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। कोई बात नहीं, देखो पेपर ख़राब हो गया, एक्चुअली वो क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास आप कह सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठे तो और एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए तो सबकी ज़ुबान पर एक ही चीज़ थी, पेपर बहुत सरल था। पेपर था भी सरल, लेकिन आपने बहुत जो सरल प्रश्न है उन्हें गलत किया। और यही बात जैसा मैंने पहले भी कही थी, अपने यहाँ पर हो रही थी, इतने सरल आएंगे क्या, कि तुम तो सरल ही सही कर देना, वहीं पर चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी होगा, बाकी अब तो जो आएगा रिजल्ट, आंसर की जल्दी आने वाली है, कहते मार्च में ही आ रही है, सुना है, तो वो आई जाएगी। और अब आप लोगों को अपना आगे का टारगेट निर्धारित कर लेना चाहिए। बहुत आराम कर लिया है, थर्ड ग्रेड में हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पर अपना लक्ष्य लेकर अब आपको चलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे तक है तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल जब तक आपको अपना है नहीं तो वो तो क्लियर करना ही है। फर्स्ट ग्रेड के लिए नया बैच चल चुका है ऑनलाइन का, सेकंड ग्रेड का भी चल चुका है। हाँ, आप लोगों ने पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन किए, तो नेगेटिव मार्किंग तो होना ही था। LDC में मुझे जहाँ तक है बिल्कुल आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। SI के लिए भी बैच चल रहा है, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये SI रीट सेकंड ग्रेड बाकी तो सभी में है ही। यहाँ पर चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसके अंतर्गत आगे की। OBC में 118 है, ठीक है, हो जाएगा। तो चलो हम शुरुआत करें अब अपने यहाँ पर। बस वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए आप लोग इसके अंतर्गत। पांडव शब्द में कौन में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, बताइए। पहला प्रश्न है आपके लिए। SI हिंदी का बैच अभी शुरू ही हुआ है ऑनलाइन, वायरल मोटिवेशन सॉरी। मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों को लेकर चलोगे तो आराम से तैयारी कर सकते हो। B, उस पर कल हम बात करेंगे एक बार YouTube पर, तो आपको पता चल जाएगा, हो जाएगा सुखविंदर। बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है। तो आप लोगों ने आंसर दिया है B, कुछ बच्चों ने। बिल्कुल अगर हम लोग बात करें तो B तद्धित प्रत्यय इसका आंसर है। अगर हम बात करें कैसे पता चला, देखो स्त्री प्रत्यय तो जिनसे स्त्री का क्या होगा, ज्ञान होगा। जैसे बुढ़िया है तो बूढ़ा में इया, बुढ़िया स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। कृदंत धातु के अंत में जो प्रत्यय लगेंगे, तो धातु के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय है वो होगा कृदंत। तो ये शब्द तद्धित तो होता है, अशुद्ध लिखा है ऐसे आएगा, संधि हो जाती है तद्धित की, तत् धन हित, और व्यंजन क्या होती है, इसमें संधि होती है। अगर हम लोग बात करें तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत किसे कहते हैं, तो बच्चों तद्धित की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, यानी धातु को छोड़कर बाकी जो भी आपके रूप बच जाते हैं उन सब में जो प्रत्यय आपको जुड़ेगा वो कौन सा होगा, तद्धित। पांडव की बात करें तो पांडु के अंतर्गत इसमें कौन सा प्रत्यय होता है, ए। जब पांडु में अगर ऐसे नहीं लिखा गया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहले वर्ण में तो वृद्धि कर दी, डे में क्या आया, ऊ स्वर आया, तो ऊ को किस में बदलता है, औ में। तो पांडु में ए जुड़कर शब्द बना पांडव, तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया आपका, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको समझा दिया है। इसमें तद्धित शुद्ध यहाँ लिख दिया है, एक बार वापस से लिख देती हूँ, ये अशुद्ध था यहाँ। चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है, आपके पास ऑप्शन है, देखिए। बेटा मोनिका, अगर आपको दोनों की तैयारी करनी है तो अलग अलग मत लो, कॉम्बो लो, अलग तो बहुत महंगा भी पड़ेगा फिर। आंसर आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है, बी। वेरी गुड, सोच करके आपने आंसर दिया है। यहाँ देखो, ये रूप दिखने में सेम है लेकिन अंतर है, इसमें कर पहले, इसमें कार। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये देखना है शब्द के अंदर पहला कौन सा रूप है। यहाँ चर्मकार है, तो चर्मकार जो चमड़े का काम करने वाला है वन वर्ड में, वहाँ पर भी है इसमें। जी आप फर्स्ट ग्रेड भी ले सकती हैं। और प्रभाकर में, प्रभाकर किसको बोलते हैं, सूर्य को। प्रभा रोशनी करने वाला, सूर्य का क्या है, पर्यायवाची है प्रभाकर जो है। तो इसका मतलब बात करें पहले कार है फिर कर है, तो आंसर कौन सा हुआ है, बी, 2 नंबर। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, आपके पास ऑप्शन है, सोच समझ करके जवाब देना, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। ओके पिंकी, आपके आंसर अलग अलग आए हैं। तीसरा प्रश्न है, यहां से उत्तर अलग हो चुके हैं। आपके लिए सबसे बड़ी चीज है धैर्य। आप धैर्य नहीं रखते ना, क्वेश्चन देखते बड़े खुश हो जाते हैं और वहीं से वो गड़बड़ है। जो बच्चे निरंतर चलते हैं वो रुकते नहीं हैं, तैयारी में लगे ही रहते हैं। अब 2 आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है ए और एक आ रहा है सी। अरे तो ये बाय बोल दिया ना पिंकी, अब तुझे दिखाई नहीं दिया क्या, ये एलडीसी है। तो अब भाई बोल के जारी है तो जा भाई। अब यहाँ पर देखो, वो कह रही है एलडीसी को पढ़ा ही नहीं रहे, तो ये है किसकी आज सीरीज, एलडीसी की है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, तो खिलाड़ी और गमनीय 2 शब्द आए। सबसे पहले आड़ी तो आपने निकाल लिया, अब आड़ी 2 में आ गया, ये तो ठीक है। अब आया ई है, तो आपने गमन सोचा, गमन में ई है, लेकिन एक्चुअली ये गम धातु है और धातु के अंत में ई नहीं बल्कि क्या जुड़ता है, अनिय। तो ये अनिय है, इसका मतलब आंसर ए नहीं होगा, आंसर क्या होगा इसके अंतर्गत आपका, सी। दिनेश ने रोहन को डंडे से मारा वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, चार कान तो होते नहीं संजू जी, तो द्विगु तो करोगे नहीं, अभी एक ही बच गया। ABC, ए आंसर आ गया है, सी आंसर आ चुका है, ए और सी। चौथे में भी यहां दो रूप है। एक्चुअली पिंकी जाट आपकी गलती नहीं, ऐसे आप लोग बेटा एग्जाम में देखते हैं, आपको सही चीजें दिखती नहीं है। चलिए हम आंसर पर बात करते हैं। ने आते ही अभी भी मैं वापस से कह रही हूं, आपका फर्स्ट आंसर होना चाहिए कृत्रिवाच्य। ने आते ही कृत्रि ही आएगा। कौन सा नहीं करना है कर्म, पहले प्रधानता कृत को दीजिएगा। क्वेश्चन आ चुके हैं, इन्होंने पहले कृत को ही प्रधानता रखी है। राहुल धीरे धीरे चलता है वाक्य में वाच्य भेद बताइए। वाव रामेश्वर, बहुत अच्छी बात है। अब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 120 है, ठीक है, बहुत अच्छा, 120 प्लस है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पर लग जाओ, बिल्कुल संजो। और वीडियो शेयर करके चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, सबको जगा दो अब कि भाई जाग जाओ, आगे फिर तैयारी करनी है। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी कर्म करना ही है। और कर्म करना क्या, थर्ड ग्रेड मिल जाएगी तो आगे क्या, अपने लक्ष्य निर्धारित करो। ए और बी दो उत्तर आ रहे हैं, सी भी आ गया। कह रहे हैं कर्म भी है, कृत्रिम भी है, और भाव भी एक दो ने बता दिया। देखो राहुल धीरे धीरे चलता है, सामान्य सेंटेंस है, सामान्य है तो इसका मतलब कौन सा वाच्य है, कृत्रिवाच्य है। और अकर्मक क्रिया के रूप में कर्मवाच्य होगा ही नहीं, होता तो भाव होता तो वहां होता राहुल से धीरे धीरे चला जाता है, ऐसा होता तो कौन सा बनता भाववाच्य। राहुल से धीरे धीरे चला जाता है, ये करते तो क्या बन जाता, आपका भाववाच्य बन जाता। क्योंकि आपको बताया कृत्रिवाच्य से कर्म बना सकते हो, कृत्रि से भाव। लेकिन अकर्मक क्रिया के जो उदाहरण हैं वो भाव में होते हैं, और सकर्मक के कर्म के अंतर्गत। और अकर्मक सकर्मक दोनों के उदाहरण आपको किस में मिल जाएंगे, कृत्रिवाच्य में। वाच्य की मैंने अलग से क्लास ली थी, आगे देखो। एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? पत्र आपके सिलेबस में है, जरा बताइए। कैटेगरी कौन सी है रत्ना, ये और बता दो। ओबीसी 104 मुश्किल है दीपू, बाकी मैं ये नहीं कहूँगी, अब जो भी है आप देख लीजिएगा उस समय। जी बिल्कुल एजुकेशनल, जी टीएसपी में है चांस इतने पर। एडी एससी में भी तो 90 है, ये तो 100 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं, पक्का नहीं कह सकती हूँ, चांस हैं। हाँ हो जाएगा एजुकेशनल लवर्स। जी किशन जी जल्दी जल्दी आंसर दे दो। डी सी ए आ रहा है, डी आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसमें तो देखो सिंपल बात बताती हूँ। एकाधिक एक धन अधिक, एक से अधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को क्या कहते हैं? तो आंसर है परिपत्र। परि यानी चारों और पत्र यानी पत्र। जब एक सूचना एक से अधिक विभागों अधिकारियों या ये कह सकते हो आप मंत्रालयों तक आपको भेजनी होती है तो परिपत्र हम लिखते हैं। परिपत्र के अंतर्गत बात करें हम इसे घुमक्कड़ी या गश्ती पत्र भी कहते हैं। अन्य पुरुष शैली में ही लगभग पत्र आपके क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, ए। तो एक से ज्यादा का जब होगा तो परिपत्र है। कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है। ये सारे प्रश्न वैसे आए हुए हैं पत्रों के, तो आप जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं। हाँ प्रियंका आपके सही है। पत्र तो फर्स्ट ग्रेड में भी है। हाँ जी रत्ना, चांस है। जल्दी आंसर ए और बी आप बोल रहे हैं। समीरा आवाज तो आ रही है बेटा? ए और बी, ये दो उत्तर आ रहे हैं मेरे पास, ए और बी पर आप लोग आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर जो है वो कार्यालय का क्या लिखा जाता है? नाम लिखा जाता है। परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? प्रश्नांकन, विषय, अधिकारी का पदनाम और संबोधन। अरे सारे दौड़ में हो, निराश क्यों होना? जब आएगी आंसर की आप मिलान कर लेंगे, आप देख लेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे के बारे में सोचो कि हो गया तो भी आगे क्या करना है, नहीं हो गया तो भी क्या करना है, रुकना तो है नहीं। राम राम बबलू, आंसर दीजिए। हाई कोर्ट का जो अभी 12 करोड़ वो हो रहा है, उसमें पत्र हैं भाई, कार्यालय पत्रों का ज्ञान। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो प्लीज चेक कीजिएगा। सी जी कुछ कह रहे हैं सी नहीं होता है। एक्चुअली परिपत्र एक से अधिक जगह भेजा जाता है तो उसमें कोई संबोधन नहीं होता है। अधिकारी का पदनाम तो होता है, संबोधन नहीं आएगा। तो डी इसका आंसर। नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना। गजट के अंतर्गत जो होता है वो कौन से है? अच्छा, हाईकोर्ट एलडीसी में नहीं है तो कौन से वाले में? राजस्थान अधीनस्थ वाले में है, जयपुर वाले में। ओके, ये वन वर्ड में भी बहुत आता है। गजट को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आपको बताना है। बिल्कुल, अधिसूचना। गजट को हिंदी में क्या कहते हैं ये पारिभाषिक शब्दावली में आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं राजपत्र। उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र है। हेलो हर्षवर्धन। जी, अगर इसके अंतर्गत आंसर की बात करें, सारे ही पत्र अन्य पुरुष में आते, केवल एक पत्र उत्तम पुरुष शैली के अंतर्गत लिखा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र जो अनौपचारिक रूप के अंतर्गत आता है। अशुद्ध वाक्य छांटना है, ये देखिए। हाँ, पुलिस सब इंस्पेक्टर का एसआई का कोर्स है, आप ले सकते हैं। अब अशुद्ध वाक्य का आ गया, ये तो है। अब आंसर दो। एससी से तो चांस है इतने। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझा आप लोगों ने। बिल्कुल सी, असत्य बोलना उसकी आदत था नहीं, आदत थी। लिंग संबंधी रूप इसके अंतर्गत आया। लगभग का सही है, ए नहीं आएगा, सी आएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य है, देखिए जरा कौन सा है। राजपाल बता दिया ना, चांस है भाई। आंसर दो अब आप। ए, बी, डी, तीन आंसर, ऐसे कैसे? ए और बी में गड़बड़ हो रहा है। सबसे पहले ये तो ठीक है शायद। अब एक तो ये, चलो ये तो मैं अशुद्ध लिखा गया है, बाकी है यही, है ना, यह शुद्ध लिखा गया। शायद मैं कल आऊंगा, ये इसमें ये है, शायद मैं कल आऊं, मैं शायद कल आऊंगा, मैं कल शायद आऊंगा। अब आप देख रहे हैं एक ही रूप को कितने प्रकार से इन्होंने बांट दिया है। हाँ, केवीएस में वाक्य शुद्धि वगैरह सब होते हैं। तो यहाँ देखो शायद ठीक है, लेकिन जब शायद है तो आऊंगा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कंफर्म हो गया कि वो आएगा ही, फिर शायद कैसे। तो इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, आऊं। शायद मैं कल आऊं, ये इसके अंतर्गत आएगा। सही वाक्य है, देखिए जरा। अच्छा, मेरा पढ़ाया काम आया बबीता, बहुत अच्छी बात है। जैसे वैसे पैटर्न पर आपको क्वेश्चन दिए गए थे जो कराए गए थे, लगभग अपने यहाँ से क्लियर था, यूट्यूब पर से भी। गुड, सी आंसर आया है, मतलब बच्चों का आपका। तो बिल्कुल हम, हमारी तो आएगा ही नहीं। मैं के साथ मेरी, हम के साथ हम, हमारी, तुम के साथ तुम्हारी नहीं आएगा। हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, बहुवचन है तो आगे बिंदु। जैसे अभी वो आया था चल रही है, अब वो एक वचन में था, एक बकरी चल रही है आना था, उसने रही है लिख दिया। बच्चों को यही ध्यान नहीं है कि पढ़ाते वक्त है बताया गया है या है बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? चार ऑप्शन है, जल्दी बताओ। जी सुमन जी, बहुत अच्छे चांस है। नहीं पूजा जी, मुश्किल है। नहीं, मैं हैप्पी जैसी हूं। आप आंसर देना शुरू कर चुके हैं। डी निवारण, बिल्कुल। बाकी तीनों है संबोधन और अभिभाषण, तो बहुत आ भी चुका है अलग से। साक्षर का विलोम है, क्या विलोम है साक्षर का, बता दो। शोराम जी बोलो, क्या ही सुनाना है आपको। आंसर आप मुझे बता रहे हैं बी और डी। ओके, देखो साक्षर में संधि हो गई दीर्घ, सैधन अक्षर, अक्षर के साथ, तो स उपसर्ग भी हो गया इसमें। अब उपसर्ग भी है, संधि भी हो गई है दीर्घ। तो निरक्षर, निधन अक्षर, विसर्ग क्या हो गई संधि, और उपसर्ग पर बात करोगे तो निर क्या आ गया है, उपसर्ग आ गया है। तो ये है, अनपढ़ में अनुपसर्ग है और अक्षर में ए उपसर्ग है। तो उपसर्ग भी क्लियर आप रख करके चल सकते हैं, और संधि भी बता दी है मैंने आपको, उपसर्ग भी। कहीं से कोई भी रूप आ सकता है। अमृत का विलोम है, कौन सा है अमृत का विलोम, देख लो। आंसर आप लोग दे रहे हैं डी। ओके, सी भी बता रहे हो, डी और सी। और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। डी 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 डी, विष, अमृत का विष होता है, बिल्कुल। जीवन पाने के लिए भी आ जाता है पर्यायवाची में। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है, हाँ, गरल विष जहर के पर्यायवाची हो जाते हैं। हाँ, चांस है ईडब्ल्यूएस में इतने पर। गुड, उत्तर आप लोगों के आने शुरू हो गए हैं, सी और डी। बेटा आपके मैसेज उस समय बहुत जल्दी गए, मुझे नहीं दिखाई दिए। ए भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं। केवीएस में तो आगे इंटरव्यू और होगा ना। तो विवेक, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण होता है विवेक। परी ज्ञान में परी उपसर्ग के चारों तरफ का जो ज्ञान है वो है परी ज्ञान। तो विवेक इसका आंसर आएगा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सेकेंड ग्रेड का कोर्स लाइव शुरू हुआ है, आप ले सकते हैं। किसका था मैसेज मुझे नहीं पता है। आंसर आप दे रहे हैं डी, वेरी गुड। सी भी बता दिया। बच्चों पिपासु तो प्यास से हो गया, प्यास का इच्छुक पिपासु। जिज्ञासु ज्ञान का इच्छुक या किसी चीज को जानने का इच्छुक हो गया। तो ज्ञान प्राप्ति का इच्छा जो रखने वाला है या इच्छुक है वो हो गया जिज्ञासु। कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है कौन सा है, देख लो। बी, डी। विमुक्त में ऐसे आएगा। सी भी आ गया, डी भी आ गया, ए भी आ रहा है। कितने आंसर दोगे इसके? और देखो बहुत ही नजदीकी के हैं। वो तो सी दे रहे हैं। अच्छा बुआ जी लगती हूँ, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मत ही आइए तुम। कि कर्तव्य विमूढ़, विमूढ़ हो जाना किस कर्तव्य से, तो जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। बोध तो यानी ज्ञान, तो इसे ज्ञान तो है, अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो गया है। सचेत आएगा ही नहीं, कर्तव्य से मुक्त होगा ही नहीं। कर्तव्य से मुक्त तो हो गया, उससे दूर हो चुका है। जिसे ये नहीं सूझे कि अब क्या करना चाहिए वो होता है कि कर्तव्य विमूढ़। एक की बजाय आंसर होगा बी। आदि से लेके अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हाँ, एसआई का बैच शुरू है, राजस्थान एसआई का अभी शुरू हुआ है, आप ले सकते हैं ऑनलाइन। हाँ, आंसर इस बार बिल्कुल सही आ रहे हैं। इस बार आपने कोई भी गड़बड़ नहीं की है। सर्वांग तो सभी अंग हो गए, सर्वधन अंग, दीर्घ संधि, अनादि अन्न धन आदि, आजीवन जीवन पर्यंत, अव्यय भाव समास। तो आद्या उपांत, आदि से लेके अंत तक, ये इसका आएगा आंसर। बिल्कुल आप सब सही है। ग्रंथ और ग्रंथी युग्म का सही अर्थ है। रामावतार जी दौड़ में आप सभी हैं, ठीक है, बाकी जब आएगा तब अच्छे से पता चल जाएगा। ओके राजेश कुमार, हाँ समीरा, वाह परिवार है। सेकंड ग्रेड हिंदी का ऑफर कब मिलेगा? कल इस समय बताऊंगी। आपका आंसर आ चुका है सी। गुड। सी। आप यहाँ ध्यान रखना, वैसे जो ग्रंथी है ना वो सिख गुरुओं को भी बोलते हैं, ठीक है। पुस्तक की वजह से ये चीज यहाँ पर आई है सी पर, बदल अदरवाइज सिख गुरु भी होते हैं वहाँ पर, लेकिन ये सिख शुद्ध नहीं लिखा हुआ था, वो भी एक रीजन है कि उसमें हट जाएगा। आगे देखो इसमें, अदरवाइज इसका आंसर क्या हो जाता? बी हो जाता। अगर ये यहाँ पर क्या लिखा होता? सिख गुरु, मतलब आधा क वाला रूप, और तो वो आया नहीं, सिख गुरु वाला रूप इसके अंतर्गत है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ से तो बी रूप इसमें गलत नहीं होगा तब। अच्छा, आप पलटी भी मार ली है, बहुतों ने बी पर आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये गलत रूप नहीं है, ये रूप भी क्या है? सही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ग्रंथी में सिख गुरु शुद्ध आ जाता है तो बी वाला पार्ट गलत नहीं होता है, तो सही आ जाता वहां से। ये देखो मरीची वाला अब आपका रूप, जल्दी जल्दी आंसर दो। ए है, सी है, बी है। आप लोगों ने अपने अपने आंसर दे दिए हैं। अगर मैं बात करूं मरीची और मरीची, शब्द युग में है, इसका अर्थ किरण है, मात्रा इसकी छोटी है और ये मात्रा बड़ी है, इसका अर्थ होता है सूर्य, सूर्य से किरण का जन्म हुआ है, तो आंसर होगा इसमें ए। हाँ वो सही है, एक राक्षस का नाम भी है, लेकिन उसमें दोनों रूप सही हैं। किस क्रम में सही मेल है? आप देख सकते हैं इसमें कौन से में सही रूप है। जी हंसा राम है, या कौन है? चांद से है। जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। सी, बी, ए। डी। ठीक है, सी आ गया है, ए आ गया है, लेकिन अगर हम बात करें ये कैसे होगा? ये अंश और ये अंश, दो रूप हैं यहाँ पे। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस अंश का जो अर्थ है वो तो होता है हिस्सा, भाग, वो हो गया, और इस अंश का अर्थ होता है कंधा, तो ये तो गलत हो गया। छात्र, शिष्य आता है, तो ये गलत है ही। ये भी प्रसाद, मंदिर और प्रासाद, कृपा, तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो गई है। उसके अंदर प्रसाद यानी महल होता है, मंदिर नहीं होता, तो ये भी गलत है। तुरंग यानी घोड़ा और तरंग यानी लहर, इसका सही है। प्रसाद का अर्थ जो है वो मंदिर न होकर क्या होता है? महल होता है, तो आप वो ध्यान रखना, तो अदरवाइज आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ से बाकी ये सारे गलत थे, ये वाला ही सही है, एक ही इसमें। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबद्ध नहीं है? जी धीरज जी, चांद से पूरे 108 क्वेश्चन है, पर किसमें? ओबीसी में है तो मुश्किल है। जी धन्यवाद भरोसा करने के लिए। ये पक्का है पढ़ाई पूरी होगी। डी और सी दो आंसर आप लोग बता रहे हैं। तोता, तोता नहीं होता है, मोर को भी बोलते हैं, पपीहे को भी और कोयल को भी, तीनों का पर्यायवाची सारंग हो सकता है। किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? आंसर दीजिए फटाफट। सी डी आप बता रहे हैं। सेकेंड ग्रेड कोर्स का ऑफर कल आपको मिल जाएगा भाई, मतलब कल पता चल जाएगा। और पुराने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी विशेष है। आपका आंसर आ चुका है डी और सी। अरे भाई द्वार हो गया ना, द्वार दरवाजे को बोलते हैं। गवाक्ष संधि पढ़ते हो आप, अपवाद रूप में गोधन अक्षयादि का अपवाद पढ़ते हो। गो यानी गाय के आंखों के समान जो झरोखे हैं, झरोखे तो होते हैं खिड़की, वो गवाक्ष है। वातायन हवा आ रही है जिसमें से, तो रास्ता है तो वही है। ओहो ललिता, ये तो गड़बड़ हो रही है क्या भाई? देखो घर वाले तो टाइम देते हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी है वो उसे पूरा करेंगे ही। तो आगे देखो, इसमें 103 है पर किस में है ये तो बताओ मुझे, मतलब कौन सी कैटेगरी है, मैं क्या ही बताऊं बेटा, आएगा ही आगे। मंगल शुभ हित वगैरह है। उपकार किस शब्द के पर्यायवाची हैं? घर वालों ने ललिता से कह दिया बहुत तैयारी कर ली, अब तेरी शादी करेंगे, तू जान और तेरा काम जाने। हाँ, प्रसाद का अर्थ तो कृपा हो जाएगा, वो भगवान की ही कृपा है या उन पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हिंदी में पढ़ा था आपके जीके में भी, तो बिल्कुल सरल वाले गलत हुए हैं, और हिंदी में भी सभी के उतने सही नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। राजू तेरा मिलेगा तब बात होगी ना। मंगल शुभ हित उपकार यानी आपका कल्याण हो गया है, तो कल्याण इसका आंसर है, सभी का सही है। किस विकल्प में सभी पर्यायवाची सही नहीं है? आंसर दीजिए। कल्याणमस्तु। राजू कह नहीं सकती हूँ, बाकी चांस में हो, है ना, उसके आगे आप कुछ नहीं है। क्यों आप परेशान हो रहे हो सारे बच्चे रीट वाले? अब पेपर जा चुका, आंसर की आएगी फाइनल, उसके बाद मेरिट बनेगी, अपने आप पता चल जाएगा। हमें ये पक्का है आगे की तैयारी करनी है, चाहे से लग गए तो भी टारगेट आगे के होंगे ही, और नहीं है तो भी करना ही है। आपके आंसर आ चुके हैं बिल्कुल। काक और वायस ये दोनों के दोनों कौवे के हैं, ना कि कोयल। कोयल का तो पिक है, कोकिला है, ये है, ये दोनों कौवे के हैं। चांद का शशि और मयंक होता है, गंगा का मंदाकिनी और भागीरथी होता है, भगीरथी नहीं, जल का नीर और सलील होता है, तो ये सी नंबर गलत है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, देख लीजिए। उषा डिंडोर मुश्किल है, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्यों ही आप। मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है, कितनी मेरिट जाएगी मेरे हिसाब से, आप वो वाला देख लीजिएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, आंसर की जो मैंने बनाकर डाली थी उसमें 124वां क्वेश्चन था, पुरुष कितने होते हैं, वो एक्चुअली सी लिखा गया जो 8 था, तो आप यहाँ ध्यान देखिएगा, उसका आंसर था 3, 1 के बजाय वो सी लिखा गया। हालांकि इस क्वेश्चन को बच्चों ने मिलाया नहीं, लेकिन एक दो ने जिन्होंने पूरा मिलाया उन्होंने बताया। तो इसका आंसर होगा 3, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। तो ए नंबर वाला इसका आंसर होगा, वो करेक्शन है अगर किसी ने मिलाया तो। आपके आंसर आ चुके हैं यहाँ डी, पक्षीगण, गण, वर्ग वगैरह लगते ही मात्रा अंतिम क्या होती है, छोटी। तो ये बिल्कुल पक्षीगण ऐसा होता है इसके अंतर्गत। अनधिकृत, अनधन अधिकृत, अन्य उपसर्ग है अधिकृत के अंतर्गत, अधि भी उपसर्ग और आ जाएगा, 2 उपसर्ग आ सकते हैं इसके अंतर्गत। तो आंसर पक्षीगण। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बहुत सोच समझ करके आंसर दीजिएगा जल्दी से। मेरे हिसाब से बहुतों के अलग अलग आंसर आएंगे। और ये पक्का ही है कि बहुत बच्चे गलत हो गए। आप यहां से डी, बी, ओके, नहीं आ तो सही रहे हो जी, बहुत अच्छी बात है कि कईयों ने ये नहीं किया। जागृति होता तो यहाँ रह के बजाय री आ जाता। तो सारे ही सही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है, ऑप्शंस हैं देख लीजिए। ओके, ए बता रहे हो, वेरी गुड। कुछ ही बच्चों ने अलग आंसर दिया है बी सी, बाकी तो सब सही पर आ गए। अभ्यंतर होता है अभी, उपसर्ग, अंतर, मूल शब्द, यण क्या हो गई है, संधि, यण संधि है इसमें, ठीक है। संग्रहित गलत है, संग्रहित ऐसे आता है, ऐसे ही अनुगृहित आता है और ऐसे ही गृहित आता है। उपन्यासिक नहीं होता, औपन्यासिक आ जाएगा। और कुमुदनी में इन्हीं प्रत्यय वाला रूप आ जाएगा। तो यहां से आंसर ये वाला हो गया, यहां द है इसलिए ये गलत हो गया, इन्हीं कुमुदिनी। दिए गए विकल्पों में से नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है, बता दो। बस ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। सी, वेरी गुड। नवधन इक नाविक का है, आओ है, आओ औ में बदलता है और अयादी क्या है इसमें, संधि, अयादी संधि है नाविक में। निम्नलिखित विकल्पों में से विधायक में कौन सी संधि प्रयुक्त है, और संधि का नाम बताने के बाद विधायक का संधि विच्छेद भी बताना है आपको। मुझे आंसर मिलने लग गए हैं 32 में, कह रहे हैं सी, ए, ए और सी। अब ए अगर हम बात करें, ए और सी 2 उत्तर आप दे रहे हैं। इसमें अयादी संधि है, संधि विच्छेद विधायक का क्या है, मैंने ये पूछा था। तो आय है, आय है मतलब विधेय, धन अक, और अयादी संधि विधेय नियम के लिए आता है। अप उपसर्ग से युक्त कौन सा शब्द नहीं है, ए बी आप आंसर दे रहे हैं। वैसे ये तो सीधा ही दिख रहा है ना, अप यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अंतरिक्ष के अंतर्गत नहीं है, तो बी इसका आंसर। सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, हाँ मूल शब्द है। आंसर आना शुरू हो चुका है, बी और ए और सी। देखो ए तो करी है, हाथी वाला है वो, तो ये पट है, पट वस्त्र को बोलते हैं। ये गवार जो है वो नहीं है गवार जो अनपढ़ वगैरह के लिए है, ये जो गवार हम पशु वगैरह को खिलाते हैं वो एक फसल वाला है। तो यहाँ से बात करें चारू, चारू का अर्थ होता है सुंदर। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल नभ में। तुलसी कृत सामासिक पद में कौन सा समास है? जी धीरज जी हो जाएगा। आप आंसर दे रहे हैं इसमें ए और सी। वैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, कृत का अर्थ होता है रचित, तो उसके द्वारा रचित है, तो करण तत्पुरुष। कौन से शब्द ए उपसर्ग से नहीं बना है? ऑप्शन है आपके लिए। हाँ फसल के लिए है वो ग्वार, बिल्कुल। अनंत, अन धन अंत, इसमें अनुपसर्ग है और अंत मूल शब्द है। अगोचर जो इंद्रियों से परे है, अमर अजर, तो बाकी में ए है, इसमें अन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? मुश्किल है दिनेश, बाकी चांस है। हाँ लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाएगी। बी और डी बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं बी और कुछ कह रहे हैं डी। देखो अगर हम लोग बात करें, आप लोग सब अलग अलग गए, पूछा है कौन सा शब्द संधि और समास, तो सबसे पहले इसमें संधि नहीं है, इसमें संधि नहीं है, इसमें संधि नहीं है। संधि से पता चल जाता पंचधन आनंद, तो इसमें समास भी है। बाकी मैं अपने आप ही क्लियर कर लेते कि संधि किस में है, तो वहीं से पता चल जाता। यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है, से आएगा ये। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। आप आंसर देना शुरू कर चुके हैं। चांस है गुन्नू, ये जो भी है चांस पर, और 100% नहीं कह सकते हैं। बी 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 जी बिल्कुल। स्वधन अधीन, स्वयं के अधीन होता है, स्वाधीन। दीर्घ क्या है इसमें? संधि, ना कि सु आएगा। स्वागत, सुधन आगत। स्त्री उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी। और अभ्यावेदन, अभिधान आवेदन। बाकी तीनों में यण है। स्वाधीन के अंतर्गत कौन सी हुई आप लोगों की? इसमें दीर्घ संधि। किस विकल्प में समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? हाँ जी चांस हैं नरेश, बाकी कंफर्म तो नहीं कह सकते, पता ही नहीं इतने अच्छे आप पढ़ने वाले और इतने कम पर कैसे रह गए, शायद वही गलती नेगेटिव बहुत ज़्यादा निकल गए। जल्दी बता दो भाई 39 का। इसमें तो सारे आंसर आ गए, गलती तो नहीं है आपकी भी, यहाँ से तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है ना। सबका आंसर आ चुका है, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, यहाँ से कोई सी बता रहा है। ए संस्कृति का विशेषण है, डी आप लोग बता चुके हैं, सांस्कृतिक ठीक है, संस्कृति के बिल्कुल इसी में आएगा। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, जल्दी से बता दो। देख लिया चंद्रकांता। सी और डी पहले एक आंसर क्या होगा दोनों में से वो चुनना है। मानवीयकरण तो होगा ही नहीं, मानवीकरण नहीं है, मनुष्य नहीं है, मानवता आप पहले आंसर में देंगे सी। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? क्या कह रहे हो आप? मैंने तो बेटा नहीं समझा इसको। आप वहां से देखकर चले गए मतलब। जी आपके आंसर आने शुरू हो गए, ए सी बी डिसेंट गर्ल। ओहो बिल्कुल सच्चा इंसान, ये विशेषण है। इसमें शीतल में ता लग करके भाववाचक बन गई है शीतलता, नम्र में ता लगकर नम्रता, और मीठा में आंस लगकर मिठास, ये विशेषण से बनी भाववाचक है। ये विशेषण है, सच्चाई होती इसकी भाववाचक। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आया हुआ ही क्वेश्चन है। बताइए फटाफट। गुड, कह रहे मैं बालक को जगवाता हूँ। अरे जगवाता तो प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया में तो सकर्मक पाठ होता है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, किसे हंसा रहा है? गोपाल को। ये अप्रत्यक्ष कर्म हो गया इसमें तो ये भी। और यहाँ पर राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र। तो ये तीनों में तो है, किससे जगवाता हूँ बालक को, वैसे भी आगे गेहूं पिस रहा है, जो क्रिया स्वतः होती है, अपने आप होती है, वहां पर कौन सी होती है, अकर्मक। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा था, ए नंबर। उसमें एक मिनट में देख लेती हूँ क्या क्वेश्चन था। ठीक है, मानवीय रूप आ जाएगा, मानवीय लोग उसके अंतर्गत। हाँ, मानवता भाव वाला पार्ट आ गया, वो मैंने भी उल्टा उससे देख लिया। कुछ बच्चों का गड़बड़ हुआ, कुछ का सही हुआ। अब वापस से और थैंक यू। तो मानवीय वाला उसमें रूप आया। वैसे मानवता मर गई है, वहां पर भी रूप आ जाता है, वहां से नेगेटिव मार्किंग तो है, बाकी सभी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है। जहां से आपका सिलेक्शन होना है वहां हर एग्जाम में जहां आप नौकरी लगोगे सभी में नेगेटिव मार्किंग है। शायद अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर नेगेटिव मार्किंग ना हो। हाँ सन्नी, मेरा ऐप है प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी, इस पर से आप ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से ले रहे हो। अरे समीरा अपने आप, हाँ ठीक है, कौन पीस रहा है वो नहीं है, हाँ ठीक है, अपने आप हो गया है। क्या कह रहे हैं आप, अच्छे से कुछ नहीं पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया बेटा उससे बात तो कुछ भी नहीं आया। रीट का भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, इसका मतलब आप कोई और है जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा। हाँ नरेश, नेगेटिव मार्किंग से आप लोग बहुत पीछे चले गए, काफी, मतलब मैंने एक दो ऐसे पहले भी मैसेज देखे हैं। तो प्लीज आप लोगों को पता नहीं मिलता तो खैर क्या है, लेकिन आप लोग कर सकते, क्योंकि इस मुझे तो कहने की भी जरूरत नहीं होती कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए, साफ साफ यहीं से ही दिख जाता है, कितना तो YouTube से ही आया है। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देवांश फन, इसमें तो सकर्मक कभी नहीं होगी, अकर्मक है, बाकी आपकी इच्छा है अगर आप कर सके तो। है सुनील बगड़ावत, क्या अच्छा नहीं किया तेरे साथ भाई, चल अब तू बता ही दे, इतना रो रहा है तो मैं सुन ही लेती हूँ भाई तेरी बात। नहीं नरेश वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं वो मुझे भी पता है, अब यहीं पर तो कह रहे हैं ना, वो तो अपन सभी सुन लेते हैं। हाँ बुक बहुत अच्छी, उससे बाहर भी कुछ नहीं आया। हाँ आया तो मेरी पढ़ाई में से गुन्नू, तो मैंने आपको रिप्लाई दे दिया ना, चांस है। अब देखिए वो क्या बोलता है बच्चा, हम मैं यही सुनने के लिए तैयार हूं। अच्छा आप कह रहे हैं उस कोचिंग ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ओके ओके ओके, मैंने सोचा आप मुझे कह रहे हैं कि मैं क्या ही करूं। तो बेटा मैं वहाँ नहीं थी ना, अब आप जब जाओ तो आप एक बार फैकल्टी चेक किया कीजिए कि कहाँ पर कौन पढ़ा रहा है। नहीं वो उसने शायद इससे पहले भी कहा था कि मैं वहाँ गया था और आपको देखकर वापस आया, मतलब शायद कुछ ऐसा लिखा था तुम्हें कि मैंने समझा नहीं आप क्या है। तो ठीक है, बट मैं अपनी ले सकती हूँ उसमें जिम्मेदारी, ये मैं पक्का कहती हूँ। फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, एलडीसी हो, जो पढ़ा रही हो अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा आपका सिलेक्शन निश्चित है। हाँ वो अलग बात है, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं, मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं बेटा मैं सुनील ऑफलाइन में वहाँ कभी भी नहीं गई, मैं कोचिंग का नाम नहीं ले रही हूँ, बट ऑफलाइन में मैं वहाँ कभी भी नहीं गई। हाँ मैं ऑनलाइन जरूर लेकर आई थी, सॉरी। ठीक है, तो अगले में फिर मिलेंगे। मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकती हूँ, मैं आपके साथ बिल्कुल फेयर रहूँगी, ये पक्का है। चलिए आगे की बात करते हैं। छोटी जी कौन सी वैकेंसी पहले आएगी? मे बी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों आगे पीछे ही आ जाए। और ये आप ओहो नरेश के 67 क्वेश्चन सही हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। आप ईमानदारी से पढ़ेंगे सिलेक्शन पक्का है। और आपका मन भ्रमित होगा 50 जगह जाने पर कि मैम का तो सारा याद हो गया बाकी पढ़ ले तू, तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकती हूँ। ठीक है जी।